के खास कार्यक्रम दिन भर दिल्ली में आपके साथ मैं हूं शैल। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कोरोना की दूसरी लहर एक बार फिर देश में कहर मचाना शुरू कर दिया है। आपको दिखाएंगे कैसे टोटकेबाज थानेदार तंत्र मंत्र से दूर कर रहे हैं समस्या। साथ ही दिखाएंगे कैसे गरीबी और अभाव में एक छात्र ने प्रदूषण फ्री बाइक बनाकर कमाल कर दिया है। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर पूरे देश में हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की चेतावनी चिंता को बढ़ाने वाली रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के पूरे देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की चेतावनी चिंता को बढ़ाने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार कोरोना वायरस का संक्रमण कहीं ज्यादा तेज होगा। आईआईटी कानपुर के डिप्टी डायरेक्टर मणिंद्र अग्रवाल ने गणतज्ञ मॉडल के आधार पर चेतावनी जारी की है। उन्होंने बताया कि मॉडल के आधार पर महाराष्ट्र में अगले 2 हफ्तों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में रोजाना 40,000 से 45,000 कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल के अंतिम हफ्ते में उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रतिदिन का आंकड़ा 6,000 हो सकता है। आईआईटी के प्रोफेसर महेंद्र वर्मा ने बताया कि फरवरी में कोरोना वायरस की रिप्रोडक्शन वैल्यू 0 से नीचे थी, अब ये 1.25 से 1.30 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसी तरीके से लापरवाही जारी रही तो रोजाना 1,00,000 से ज्यादा केसेस सामने आ सकते हैं, जबकि पहली लहर में एक दिन में अधिकतम 97,500 रिकॉर्ड किए गए थे। उत्तर प्रदेश अप्रैल के अंतिम हफ्ते में रोज 6,000 केस का आंकड़ा छू सकता है। पहली लहर के चरम में यूपी में रोज करीब 7,000 केस रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं कानपुर के चकेरी इलाके में हुई युवक की कोरोना से मौत ने लोगों को चौंका दिया। कोरोना तेजी से फैल रहा है तो कोरोना का मुकाबला करने में सरकार भी पीछे नहीं है। पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। लखनऊ में कानून मंत्री बृजेश पाठक ने अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर वैक्सीन लगवाई तो मुख्य सचिव आर के तिवारी और ACS CM SP गोयल ने भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। हम पूरे परिवार के साथ यहां वैक्सीनेशन कराने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए हैं और यहाँ पर चिकित्सकों ने और स्टाफ नर्स ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को वैक्सीन दिया है। मैं पूरे प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी इंटाइटल्ड है तत्काल घरों से निकल करके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निःशुल्क वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगाने का यहाँ अनुभव बहुत ही सुखद रहा है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है, ना कोई दर्द है, ना कोई रिएक्शन है और जितने लोग लगवा रहे हैं उन सभी का भी यही अनुभव है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है हमको एंड आई विल एडवाइज सभी लोग ये वैक्सीन लगवाएं और जैसे हम लोगों को राहत मिले बाकी इस कोरोना COVID-19 से। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी तरह से वैक्सीन लग रही है और सभी को अधिक से अधिक संख्या में जो लोग पात्र हैं उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं, बस वैक्सीन इंजेक्शन की तरह है, लग जाएगा, सुरक्षित हो जाएंगे सब। क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है तो सरकार ने ये सोचा है कि 45 साल के ऊपर जो भी हों, चाहे उनके कोमॉर्बिड कंडीशंस हो या ना हो, तो उनको हम इम्यूनाइज करेंगे। यूपी के वाराणसी में 100 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। वहीं लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर AK शर्मा की कोरोना से मौत हो गई। हरदोई में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मामलों में 35% उछाल देखा गया। 24 घंटे में कोरोना के 72,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों में 459 मरीजों की मौत हो गई। ये आंकड़े देश को चौंकाने वाले हैं। लापरवाही का अंजाम बेहद बुरा होगा, इसलिए हर किसी को खुद को कोरोना से बचाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को 1 अप्रैल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। एक्सप्रेसवे शुरू होने के साथ ही दिल्ली से मेरठ की दूरी 45 मिनट में अब तय होगी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को 1 अप्रैल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। एक्सप्रेसवे शुरू होने के साथ ही दिल्ली से मेरठ की दूरी 60 मिनट में तय की जा सकती है।
और गाजियाबाद से मेरठ जाने में केवल 30 मिनट का समय लगेगा। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड जाने वाले लोगों को दिल्ली मेरठ हाईवे के लंबे जाम से अस्थायी रूप से छुटकारा मिल जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पश्चिम यूपी की लाइफलाइन बनेगी। मैं विदेश में भी घूम चुका हूं और मुझे लगता है कि ये देश तरक्की कर रहा है और सही में एक ऐसी फीलिंग आ रही थी मैं विदेश में ही ट्रैवल कर रहा हूं। टाइम की बहुत ज्यादा बचत है और ये भी काम चल रहा है, आगे जब पूरा हो जाएगा तो हम लोगों के लिए और आम जनता के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। काफी कंफर्टेबल राइड हो गई है अब, बस बीच में एक थोड़ा सा पैच जहाँ भी आप देख रहे हो ये वाला भी डिस्टर्ब्ड है, अदरवाइज पूरा हाईवे काफी अच्छा बन चुका है, काफी आरामदायक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की आज से शुरुआत हो चुकी है। उसी एक्सप्रेसवे पे हम खड़े हैं जहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह का एक्सप्रेसवे जो है वो बनकर तैयार हुआ है और उसकी शुरुआत जो है आज से हो चुकी है। तो बड़ी सौगात है ये मेरठ वासियों के लिए, क्योंकि अब दिल्ली से मेरठ महज 60 मिनट यानी कि एक घंटे में पूरी की जा सकती है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे की आज से तो जरूर शुरुआत हुई है, पर टोल की जहां तक बात करें तो टोल की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं की गई है। जो टोल की दर है वो अभी फिक्स नहीं किया गया है। यूपी गेट से डासना तक, दूसरी ओर डासना से मेरठ तक चौथे चरण के एक्सप्रेसवे के खुलने का रास्ता 1 अप्रैल से साफ हो गया। डासना से मेरठ की ओर तैयार 700 मीटर की एलिवेटेड रोड पर लोड टेस्टिंग और अंतिम ट्रायल रन पूरा हो गया है। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक शुरू होने वाले दोनों चरणों के साथ अन्य दो चरणों के लिए टोल की गई दरों को 2-3 दिनों में निर्धारित किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा और कॉमर्शियल वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखी गई है। हमारे इस वक्त हम उस पॉइंट पर खड़े हैं जहां से मेरठ का जो पैकेज 4 है वो शुरू होता है। आप कैमरे देख रहे होंगे यहां पर सामने हैं जो कि टोटल कैमरे के सर्विलांस पे है, लेकिन यहां कहीं भी बोर्ड नहीं लगा है और इसके सबसे ज्यादा वजह यह है कि यहां कन्फ्यूजन हो रही है। जो लोग दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं वो सीधे इस रोड पर चले जा रहे हैं जो कि मेरठ को जा रहा है, जबकि हापुड़ और मुरादाबाद का ट्रैफिक भी इस रोड पर चला जा रहा है। और बेसिकली हापुड़ और मुरादाबाद के लिए जब यहाँ पर साइन बोर्ड होते तो पब्लिक को परेशानी नहीं होती, वो सीधे जाते। लेकिन अब अगर आप देखें तो इस हाईवे पर आगे भी एक ट्रैफिक रोका गया है, वो सोनीपत का रोड ब्लॉक कर रखा है। आज तो यह हाईवे खोला गया, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जी सर, वो उधर टोल पे अभी काम चल रहा है, टोल पहले लगा दिया, रोड कंप्लीट नहीं है, टोल लगा दिया उधर, जाने का रास्ता खुला नहीं है, आदमी 5-5 किलोमीटर रिवर्स आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को दिल्ली से जोड़ने की कवायद सन 2008 में शुरू हुई थी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 1 साल की देरी हुई, लेकिन अब ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लखनऊ की एकमात्र नदी जो कि नाले में तब्दील हो चुकी है, आधा दर्जन से ज्यादा गंदे नाले नदी में गिरने से नदी का पानी काला और गंदा हो चुका है। हालात ये बने हैं कि नदी का पानी आचमन तो छोड़िए बल्कि नदी के बगल में खड़े रह पाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। गोमती की हालत बदहाल है, बद से बदतर हुए हालात, सरकारें बदलती रही लेकिन नहीं बदली गोमती की सूरत। जगह जगह जलकुंभी, गंदे और बदहाल होते घाट, सक्रिय होती जलधारा से गोमती की सूरत साल दर साल बिगड़ती जा रही है। यूपी में जितनी सरकारें बदली उतनी तेजी से गोमती की सूरत नहीं बदली। सरकारी ऑफिसों में बैठकर लोग गोमती को निर्मल करने की बातें तो करते हैं, मगर वास्तविकता का अंदाजा गोमती की बदहाली को देखकर लगाया जा सकता है। गोमती नदी नाले में तब्दील हो गई है। गोमती नदी के ज्यादातर हिस्से में जलकुंभी का प्रकोप है, दिन ब दिन इसकी गंदगी का लेवल बढ़ता जा रहा है। गर्मी में पानी कम है और गंदगी ज्यादा होने से बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है।
तस्वीरों में आप देखिए, आपको भी कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि आखिरकार इस नदी को ऐसा कौन सा श्राप लगा जिस पे गंदगी कहीं का अंबार जो है वो लगा हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके से जलकुंभी पूरी तरीके से भरी हुई है, और आपको बताऊं ये पानी आप देखिए, ये बगल में खड़े होने पर बदबू यहाँ से आती है। लोग यहाँ टहलने आते थे लेकिन बदबू की वजह से आना बंद कर दिया है। और आपको जान करके बड़ा अचंभा होगा कि यही पानी राजधानी लखनऊ के 90 से 95% लोगों को सप्लाई किया जाता है। प्रदूषित गोमती की वजह, गोमती नदी में 37 नाले गिरते हैं, 8 नाले शहर के बाहर गोमती में गिरते हैं। गोमती रिवर फ्रंट में 29 नाले गिर रहे थे, बीजेपी सरकार ने 9 नालों को समानांतर चैनल में जोड़ा। 2 बड़े नालों पुखरेल और हैदर कैनाल को डाइवर्ट किया गया। ट्रांस गोमती एरिया में 6 बड़े नाले गिर रहे हैं। लगभग 2500 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद शहर की लाइफलाइन गोमती में पानी कम है, सीवेज और कूड़ा ज्यादा है। गोमती की इस बदहाली के लिए सभी विभाग दोषी हैं, जिन पर नदी को साफ करने की जिम्मेदारी थी। पिछली गवर्नमेंट ने ये जो गोमती नदी का तट बनवाया था पीछे, बहुत भी सुंदरीकरण किया था, वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। यहाँ पे लोगों को टहलने की व्यवस्था दी गई थी कि लोग यहाँ पर टहले, लेकिन बदबू की वजह से और गंदगी की वजह से लोग यहाँ पर टहलना भी बंद कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी और इस विभाग के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, उनकी नाकामी साफ तौर पर राजधानी लखनऊ की गोमती नदी में देखने को मिल रही है कि उसके बगल में खड़े होने पर भी मुश्किलें आ रही और बदबू से अभी गोमती नदी नहीं बल्कि नाला बन करके रह चुकी है। अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। मिर्जापुर जिले में रहने वाले गरीब छात्र ने कैसी बाइक बनाई है जो आपको महंगे पेट्रोल से तो निजात दिलाती है, साथ ही साथ प्रदूषण से भी मुक्ति देती है। रिपोर्ट देखिए। कुछ करने के लिए लक मन में हो तो संसाधन का भाव कोई मायने नहीं रखता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अति पिछड़े हलिया ब्लॉक के नक्सल प्रभावित गांव में जन्मे बीए के छात्र की मंशा को गरीबी भी नहीं रोक पाई। पंचर की दुकान पर काम करके युवक ने प्रदूषण मुक्त बैटरी बाइक बना डाली, जो एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर का सफर तय करने के साथ ही 7 क्विंटल का बोझ उठाने में सक्षम है। महंगे पेट्रोल से मुक्ति के साथ ही ये बाइक पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। मिर्जापुर जनपद नक्सल प्रभावित जिलों में गिना जाता है, और इसी क्षेत्र में आने वाले हलिया विकास खंड के मवई कला गांव निवासी नीरज कुमार मौर्य ने अपनी नलक से बैटरी बाइक का आविष्कार किया, जिसमें बाइक की सारी सुविधा के साथ ही कार की तरह बैक गियर लगाने की भी सुविधा है। बीए अंतिम वर्ष में पढ़ाई के साथ ही गरीबी के चलते उसने पंचर की दुकान पर काम करके 30,000 रुपए इकट्ठा किए। दिन में पढ़ाई और मेहनत करता तो रात में बाइक का निर्माण करता। करीब 8 महीने के परिश्रम के बाद अनोखी बाइक बनकर तैयार हो गई। इसे लेकर के वो जिला मुख्यालय सरकारी मदद की मंशा के साथ पहुंचा। मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाया हुआ है जो कि बैटरी से चलती है, एक बार चार्ज होने पर 50 किलोमीटर जाती है। इसमें आगे के साथ साथ पीछे भी जाने की व्यवस्था हुई है, और सर यहाँ से चाबी स्विच है, इधर देखो सर यहाँ से चाबी है, और सर हेडलाइट भी है, कंट्रोलर है, मोटर है, बाकी सभी मैंने सुझा दिया है, और इसमें 7 क्विंटल वजन ले जा सकते हैं आप। जिला मुख्यालय पर बिना टंकी वाली बाइक लोगों के लिए उत्सुकता जगाने वाली बनी। जिला मुख्यालय पर बिना टंकी वाली बाइक लोगों के लिए उत्सुकता जगाने वाली थी। जिसने भी चलाया उसे बैटरी से चलने वाली बाइक पसंद आई। युवा ग्रामीण क्षेत्र के आविष्कारक का मानना है कि उसे सरकारी स्तर पर सहयोग मिले तो मात्र 30,000 रुपए में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने और पेट्रोल की बचत करने वाली बाइक वो उपलब्ध करा सकता है। कह रहे हैं कि 50,000 के ऊपर ये लगा हुआ है, ये मौर्या जी हैं लालगंज के, और लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमें इसका सहयोग मिले तो ये ही बाइक मैं 30,000 में बना दूंगा, और वाकई बहुत ही कम लागत में पर्यावरण के अनुरूप कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, इतनी अच्छा ये मोटरसाइकिल बनाए हुए हैं, और मैं इनको ढेर सारी शुभकामना करता हूँ कि माँ भगवती इनको आशीर्वाद दें और ये इस क्षेत्र में मिर्जापुर का नाम कमाए। नीरज कुमार की जो बाइक बनी हुई है वो बड़ी इनोवेटिव बाइक है, उसमें और अगर सुधार किया जाए तो वो भविष्य के लिए हमारे ज़िले के लिए प्लस जो है पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बाइक हो सकती है। इसमें इस बाइक की सबसे अच्छी खासियत ये है
कि ये बाइक जो है पोल्यूशन फ्री होगी, इससे पोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा। और ये बाइक ही नहीं बल्कि एक पूरा जो है सामान ढोने की मशीन भी हो सकती है, क्योंकि ये बाइक जो कि 700 कुंतल जो है सामान साथ में लेकर के जा सकती है। बाल मन में विज्ञान के प्रति ललक पैदा करने वाली प्रदेश सरकार की संस्था बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला समन्वयक ने प्रदूषण मुक्त बाइक की प्रशंसा करते हुए कहा कि आविष्कार देश के लिए विशेष उपलब्धि है। कम लागत वाली बाइक पर अभी और काम किया जा सकता है। इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा पेटेंट करा करके आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मिर्जापुर से भारत समाचार के लिए पवन त्रिपाठी की रिपोर्ट। तिलक, चंदन और गंगाजल के टोटके के बाद मेरठ के नवचंदी थानेदार इंस्पेक्टर प्रेमचंद ने पुलसिंह में गायत्री मंत्र और तपस्या का समावेश कर दिया है। पति पत्नी के अलगाव के एक मामले में इंस्पेक्टर ने बाकायदा लिखित में गायत्री मंत्र के जाप और ऋषिकेश प्रवास का फार्मूला पीड़ित को थमा दिया। फार्मूला असर नहीं किया तो पीड़ित आज IG मेरठ की चौखट पर पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए। तिलक चंदन गंगा जल की रिलीज के बाद यूपी पुलिसिंग में लॉन्च हुआ गायत्री मंत्र। टोटके बाज थानेदार ने दिया कार्यवाही का फॉर्मूला। ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र के जाप से कष्ट होगा दूर। शांति कुंज हरिद्वार में 3 दिन का रहेगा प्रवास। आंखों में आंसू और हाथ में अपनी बेकदरी की कुछ तस्वीरें लिए इस शख्स का नाम है हेमंत गोयल। मेरठ के शास्त्री नगर निवासी हेमंत गोयल ने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आकर के गाजियाबाद की कविता कौशिक से ये सोच करके साथ फेरे लिए थे कि आखिरी दिनों में कोई सहारा होगा, लेकिन शादी के बाद 19 साल के बेटे को साथ लेकर के आई कविता ने कुछ ही दिनों में घर पर कब्जा कर लिया। महीने बीते तो हेमंत गोयल की 22 लाख की रकम कविता ने हड़प ली और हेमंत को फुटबॉल की तरह किक मार करके घर से बाहर कर दिया। जिंदगी से निराश हेमंत नौचंदी थाने पहुंचा। इंसाफ की बजाय जिंदगी की समस्याओं को हल करने के लिए धर्म और आध्यात्म का रास्ता सुझाया। कविता और हेमंत को आमने सामने बिठा करके थानेदार प्रेमचंद्र शर्मा ने ऐसा समझौता कराया जो उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में नजीर है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसके बाद जो है आप शाम को पूजा करें, आपका सब निदान होगा। तीनों लोगों के लिए कहा गया था, लेकिन सब कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बर्बाद। समझौते के नाम पर कविता और उसका बेटा हेमंत गोयल को बार बार पीटते रहे। पीटने के बाद हर बार थाने पहुंचे गोयल को थानेदार साहब गायत्री मंत्र का जाप करने का प्रिस्क्रिप्शन देते रहे। तीसरी बार थानेदार प्रेमचंद शर्मा ने हेमंत गोयल को संपूर्ण समस्या का समाधान लिख दिया। प्रिस्क्रिप्शन की जो पर्ची इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा ने हेमंत गोयल को दी, उस पर लिखा हुआ है कि 101 मनकों की माला का गायत्री मंत्र के साथ जाप करने से समस्या दूर हो जाएगी। पीड़ित को इस जाप के अलावा शांति कुंज हरिद्वार में 3 दिन का प्रवास भी करना पड़ेगा। शांति कुंज हरिद्वार में 3 दिन का प्रवास का खर्च लाखों में है। थानेदार साहब उन्हें प्रवास कराने का ठेका भी लेते हैं। कई बार मारा पीटा और इनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसकी शिकायत लेकर जब हम थाने गए थे ये, तो थाने में इनकी रिपोर्ट ना लिखकर, मेडिकल भी इनका हुआ था, इनकी रिपोर्ट ना लिखकर 2-3 बार कंटिन्यूसी पर काम होता है। जो वहां के थाना अध्यक्ष हैं, जो थाना प्रभारी है थाना नौचंदी के, वो कहते हैं शंख बजाओ, ताली बजाओ, तिलक लगाओ, गंगा जल से छिड़काव करो और माँ गायत्री का जाप करो। माँ गायत्री के जाप के दिशा निर्देश देते हैं और इनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो हैं हरिद्वार में जाके गायत्री आश्रम में रहें और भगवान का ध्यान करें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। IG मेरठ के पास पहुंचे पीड़ित की फरियाद सुनी गई और SSP मेरठ को इस मामले में इंस्पेक्टर प्रेमचंद्र शर्मा के खिलाफ प्रारंभिक जांच कराने के आदेश दिए गए। इससे पहले होली पर सैनिटाइजर बता करके गंगा जल बांटने के मामले में IG ने इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा पर जांच शुरू करवाई थी। मेरठ का नौचंदी थाना आजकल पुलिसिंग के बजाय फरियादियों को थोपी जा रही धार्मिक गतिविधियों को लेकर के मीडिया और सोशल मीडिया के सुर्खियां बना हुआ है और लखनऊ में बैठे ऑफिसर्स तक में इन सुर्खियों की चर्चा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह के जो बदलाव हैं वो पुलिसिंग में हो रहे हैं तो ऐसे पीड़ित आखिर सड़क पर क्यों भटक रहे हैं, और अगर ये पीड़ित नहीं है तो DGP साहब इस पूरे फार्मूले को जिस तरह के सिगूफे नौचंदी थानेदार के द्वारा अपनाए जा रहे हैं उनको पुलिस मैनुअल में शामिल क्यों नहीं करते। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।
जल जीरे की आई।